ये देखिए ये सीमेंट बेड है, और ये अब फिर आगे देखिए ये फाइन एग्रीगेट, और अरे ये देखिए कोर्स एग्रीगेट। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने लगा रहा हूँ, प्लीज वीडियो बना दें। हेलो इंजीनियर्स, मैं उनका राज गुप्ता आपको उनके टेक्नोलॉजी में स्वागत। देखिए आज का टॉपिक हमारा है क्या, कंक्रीट ग्रेड करना, क्या चीज़ के बारे में, कंक्रीट ग्रेड करना। ठीक है, आप लोग आई एस कोड देखे होंगे, हमारा ग्रेड का जो है रेशियो दिया हुआ रहता है, और थोड़ी सा यूट्यूब चैनल भी दिया देखे होंगे। लेकिन कोशिश है मेरा भी एक वीडियो बना लेता, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं हेडिंग बना देता हूँ, क्या फर्स्ट है ग्रे, दूसरा हमारा क्या है मिक्स रेशियो, मिक्स रेशियो, और तीसरा क्या है वाटर, मैं इसको साथ में वाटर में भी सकता हूँ। मिक्स रेशियो का मतलब होगा सी एस ए, सी मतलब सीमेंट, एस मतलब फाइन एग्रीगेट, और हमारा क्या हो गया ये मतलब कोर सेग्रीगेट। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रेड नाम क्या लिख देते हैं, A5, A10, A15, A20, A25। एक चीज़ यहाँ छूट रहे क्या, A7.5 है ना, तो सीरियल नंबर से चले तो यहाँ पर ये आएगा। देखिए अब एम मिक्स रेशियो की बात कर रहे हैं, मिक्स रेशियो कहने का मतलब सबसे पहले ये समझो कि M5, M10, M15, M20, M25 और M7.5 होता है क्या, इसको पहले पढ़ना सीखेंगे। जैसे हमारा क्या है M5, तो M5 पढ़ने का M का मतलब होता है मिक्स, किसका मिक्स, हमारा कॉन्क्रीट का, जिसमें क्या क्या आ जाता है, सीमेंट आ जाता है, सेंड आ जाता है और एग्रीगेट आ जाता है, और क्या आ जाता है 25 बोलिए या 5 बोलिए, M5 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 5 का मतलब क्या हो जाता है, कंप्रेसिव, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, क्या चीज़ में, न्यूटन पर, कोई दिक्कत, क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्क्रीट ग्रेड के बारे में। इसका हेडिंग क्या है, ग्रेड है मिक्स रेशियो और वाटर है। मिक्स रेशियो का मतलब सीमेंट सेंट एग्रीगेट, फर्स्ट आ जाता है सीमेंट, सेकंड आ जाता है फाइन एग्रीगेट, और थर्ड आ जाता है कि हमारा कोस्ट एग्रीगेट। ग्रेड ये हमारा कितने ग्रेड है, हम लोग जानते हैं कि डिज़ाइन जो होता है तो एक नॉर्मल डिज़ाइन होता है, मिक्स डिज़ाइन होता है, तो नॉर्मल होता है हम लोग कहाँ तक चलते हैं M25 तक, और इसके ऊपर जो भी हम लोग जाते हैं क्या जाता है, मिक्स डिज़ाइन हो जाता है। मिक्स डिज़ाइन होने का मतलब ये होता है कि हमारे साइड पर जो भी मटेरियल पड़ा हुआ है वो मटेरियल को हम लेकर एक रेशियो के हिसाब से उसको सेट कर दें, फिर उसको टेस्ट करने के बाद अगर M30 का रिजल्ट आ जाता है, M25 से ऊपर जो भी हो, मान लो M30, M40 जो भी, उसका स्ट्रेंथ अगर 28 दिन में मिल जाता है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, रेशियो को हम सेट कर देते हैं, और वही हमारा क्या बन जाता है, ग्रेड बन जाता है। चलिए अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए M5 का क्या होता है ग्रेड, 1, 5 और क्या होता है 10, और वाटर कितना लगते हैं 68। एक मतलब सीमेंट, 5 मतलब फाइन एग्रीगेट, और 10 मतलब कोर्स एग्रीगेट। इसी तरह हमारा क्या है M7.5 का देखिए यहाँ छोड़ दो, यहाँ लिख दिया 1, 4 और 8, हमारे 7.5 का रेशियो क्या होता है 1:4:8 का होता है, इसमें वाटर कितना लगते हैं 45 लीटर लगते हैं। इसी तरह हमारा क्या हो गया M10 का 1:3:6, तो इसमें पानी कितना लगता है 24 लीटर। ये तो मैक्सिमम लोग का ग्रेड पता रहता है, M10 हमेशा ही होता है, लेकिन M5 और M7.5 में हमेशा लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। मेरा बताने का मतलब ये था कि M5 और M7.5
हमारे साथ का भी लेकर चलना है। एम फिफ्टीन का क्या होता है, 1, 2, 4, इसमें पानी कितने लगते हैं। जैसे जैसे हम लोग ग्रेड बढ़ते जाते हैं पानी का क्वांटिटी कम होते जाते हैं। ये पता है ना कि पानी भी बहुत स्ट्रेंथ पर मायने रखता है, हम एक रेशियो के हिसाब से हम पानी को क्या करते हैं डालते हैं। अगर हम पानी ज़्यादा डाल देंगे तो हमारा स्ट्रेंथ में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी, इसलिए हमको वाटर बहुत ज़रूरी है। M20 का क्या होता है, 1, 1.5 और 3, इसमें कितना होगा, 30 लीटर्स। M25 का क्या होगा, M25 का होगा 1, 1, 2, तो पानी क्या हो जाता है, दिक्कत। ये बात को सब रिविज़न कर देते हैं। हमारा हम लोग आज कंक्रीट ग्रेड के बारे में बताने जा रहे हैं, जो पानी जा रहा हो, जो हमारा हेडिंग है ग्रेड मिक्स रेशियो और वाटर। मिक्स रेशियो पानी का मतलब सीमेंट सेंट एग्रीगेट, सीमेंट सेंट मतलब पानी एग्रीगेट और एग्रीगेट मतलब वाटर एग्रीगेट। अब M5 का क्या होता है, 1, 5, 10 होता है, इसमें पानी कितना डालते हैं, 60 लीटर। M10 कितना होता है, 1, 3, 6 होता है, और पानी कितना लेते हैं, 34 लीटर। M15 में क्या रेशियो लेते हैं, 1, 2, 4, और पानी कितना लेते हैं, 32 लीटर। M20 में कितना लेते हैं, 1, 2, 3 लेते हैं, पानी कितना लेते हैं, 30 लीटर। M25 में क्या लेते हैं, 1, 2 लेते हैं, पानी कितना लेते हैं, 28 लीटर। M7.5 में कितना लेते हैं, 4, 8 का रेशियो होता है, 45 लीटर। आगे से एक इंटरव्यू का पूछा, मैंने वीडियो में बीच वीडियो में भी बताने की कोशिश किया था, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। कभी भी इंटरव्यू में पूछता है, अगर किसी भी रेशियो में, उस रेशियो के हिसाब से हम पानी अगर ज़्यादा डाल देते हैं तो हमारा कंक्रीट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा कि घटेगा, तो हमेशा हमारा कंक्रीट का स्ट्रेंथ क्या होता है, घटता है अगर ज़्यादा पानी लेने का। ठीक है, इसका पढ़ने का मतलब हम समझा दिए थे। M5 मान लीजिए, तो M का मतलब होता है मिक्स, किसका मिक्स, सीमेंट सेंट और एग्रीगेट का। 5 का मतलब क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन डिटरमिनेंट, यानी कि 28 दिन में हम जब इसको टेस्टिंग करेंगे हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, 5 N/m² होना चाहिए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश करेंगे कि मैं थोड़ा बिजी हो पा रहा हूँ, रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश कीजिए करूँगा कि हमेशा आपको वीडियो बनाकर अपलोड करें और चैनल को प्लीज़ मदद।